नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9th का क्षितिज का यमराज की दिशा नामक कविता। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते होंगे कि यमराज दत्तु के देवता के बारे में ये कविता है। बहुत ही खूबसूरत कविता कि बदलते हुए समय की, इस समय जबकि COVID-19 ये महामारी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुकी है, ये कविता इतनी रेलिवेंट है, इतनी सटीक बैठ रही है आज के समय पर और हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमने क्या से क्या इस दुनिया को बना दिया है और हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। किसी एक को आप जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस को नहीं दे सकते हैं, अमीर लोगों को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं यमराज की दिशा। इसके लेखक कवि हैं चंद्रकांत देवताल। चंद्रकांत देवताल का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर में हुई तथा PhD सागर विश्वविद्यालय सागर से। 68 हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंधित रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए। देवताले जी की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में है। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित। कवि में जहां व्यवस्था के कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मार्ग ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दी। ये कविता भी देखेंगे बच्चों, बहुत ही सीधी सादी सी कविता लेकिन इतनी गूढ़ अर्थ वाली कविता है कि आप पढ़ के इसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द में बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करते हैं। देखो बच्चों, इस कविता की बहुत ही छोटी सी कविता है कि आपने कई बार घरों में सुना होगा। आजकल तो वास्तुशास्त्र बहुत फेमस हो चुका है कि हिंदुस्तान में ये बहुत ही माना जाता है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया जाता है क्योंकि उससे ये अपशकुन होता है। कई बार आपने देखा होगा कि डेड बॉडी को इस तरह रखा जाता है कि उसके पैर दक्षिण दिशा की ओर होते हैं, तो ये एक अपशकुन। कई बार माएं और अब घरों में ये निर्देश दिए जाते हैं कि सोते समय सिर उत्तर की तरफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा में पैर नहीं करने चाहिए या भगवान की तरफ पैर नहीं करके सोना चाहिए अगर कहीं घर में मंदिर बना है तो इस तरह। लेकिन कवि कहते हैं कि पहले इसको कई बार जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम हंसी मजाक में लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और वास्तुशास्त्र एक प्रूवन साइंस है। बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसमें भी वो भी साइंटिफिक रीजंस के साथ अपनी बताते हैं बातें कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दक्षिण दिशा चुंबकीय दिशा होती है। जैसे आप सब जानते हैं पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो खींचता है अपनी ओर, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे ज्यादा होता है। तो दक्षिण दिशा की तरफ पैर करने से कई कई सारी ऐसा माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार कि शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, इसलिए उनका अपना ही एक्सप्लेनेशन है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वो देते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि आजकल किसी भी दिशा में पैर करके सो या आप किसी भी दिशा की तरफ चले जाइए, मृत्यु वहां खड़ी है। अर्थात आजकल मृत्यु का एक रूप नहीं है, कहीं आप ही देखिए, कहीं बाढ़ आई होती है, कहीं सूखे से लोग मर रहे हैं, कहीं बाढ़ से मर रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी, कहीं तो बाढ़ से लोग बह रहे हैं तो कहीं पे इतना सूखा है कि खाने को नहीं है, कहीं पे सुनामी आ रही है और अब तो कोरोना के रूप में एक वैश्विक महामारी से हम सब जूझ रहे हैं, जिसमें कि आप घर से बाहर निकलते हुए अपने ही घर वालों से, अपने ही दोस्तों से भी बात करने में डर रहे हैं। तो आज मौत कहाँ नहीं है, आज केवल युद्ध ही डर का कारण नहीं है, केवल दुश्मन राष्ट्र का अटैक ही हमको दुखी नहीं करता है या उनका चिंता का विषय नहीं है कि मौत वहां पे आ जाएगी। आज केवल
रक्षा के लिए खड़े सैनिकों को ही मौत का डर नहीं है, घर के अंदर बैठे हुए हर इंसान को मौत का डर। तो आज के युग के लिए ये कविता बहुत ही सटीक है। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। माँ के ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज ले। देखिए सबसे कितना सिंपलिसिटी से भगवान ने बताया है। हम लोगों की जो मदर्स होती हैं, जो हमारी माताजी होती हैं, वो घर में बड़ी बूढ़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे बताते हैं हमें कि जैसे रोज वो भगवान से बात करते हैं, क्योंकि वो जब प्रार्थना करते हैं उनका ईश्वर पे इतना दृढ़ विश्वास होता है कि वो अक्सर ऐसे भगवान, हम लोग भगवान हिंदू धर्म में भगवान से ऐसे बात करते हैं जैसे देखिए कृष्ण को अपना बेटा मान के कोई बात करता है, कोई अपना प्रेमी मान के उनसे बातें करता रहता है। तो ऐसे ही कवि की जो माँ थी वो ऐसे बात करती थी जैसे लगता था कि वो रोज ईश्वर से बातचीत करती है उनकी, अर्थात उनकी ईश्वर में इतनी आस्था दृढ़ थी